हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी के एक नए व्लॉग में। सो गाइस, व्लॉग की शुरुआत सीधी बात नौबकपास के साथ करेंगे। सो कल है मेरी एग्जाम फार्मेकोलॉजी की। पढ़ाई के बारे में बताऊँ तो अभी मैं ANS का लास्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर कर रहा हूँ। और सो गाइस, अभी बजे शाम के 5 और पूरे दिन मैंने पढ़ाई की और 2 सिस्टम कर दी है एंड अभी 3 सिस्टम और बचे। अभी 3 इधर दिख जा, अभी दिख रहा है। हाँ, और अभी भी 3 सिस्टम बची हुई है। मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी सब कंप्लीट होगा, लेकिन आई ट्राई कि जो भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है उसमें से मैं तो वो कर ही लूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ IMP MBBS इज ऑल अबाउट IMP। IMP जितने ज़्यादा करूँगे उतने ज़्यादा मार्क आएंगे। एंड वही सीन है कि पढ़ाई कर रहा था, देखो ये, और यूज़ कर रहा हूँ मैं KDT यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास एक दूसरी बुक भी है दिखाने। हाँ, शानबाग, लेकिन पता नहीं, सब लोग बोल रहे थे कि शानबाग तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रही। इससे अच्छा तो मेरे क्रेडिट ही मुझे अच्छी लग रही है। सभी लोग बोलते हैं कि भाई शानबाग थोड़ी सी इजी है, लेकिन मुझे नहीं, मुझे मतलब पता नहीं चल रहा है कि कौन सी इजी है कौन सी हार्ड है। दोनों ही हार्ड लग रही है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि तकलीफ। एनीवेज गाइस, मिलते हैं बाद में, थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेते हैं। मिलते हैं बाद में, बाय। सो गाइज, अभी बजे शाम के 7:30 और मैं थोड़े से पढ़ते पढ़ते सो गया था। खाना खाने के लिए जाना है मेश मेश। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। The next day. So guys, finally ready for the exam और देखेंगे। ये बंदा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है अभी भी। एग्जाम पेपर खत्म हुआ फार्माकोलॉजी का, और एग्जाम के बारे में बताओ तो अच्छा था। मैंने जितना सोचा था उससे तो अच्छा गया मेरा पेपर आज फार्माकोलॉजी में। और फार्माकोलॉजी इज अबाउट ड्रग, तो ड्रग में तो यार नाम याद रखना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन आई ट्राई। अभी तो पहली एग्जाम थी, लेकिन धीरे धीरे याद रह जाएगी। सो गाइज, अभी तो मैं जाऊँगा सोने के लिए। 4 बजे तक हम सो जाएंगे और उसके बाद पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि कल है हमारा पैथोलॉजी का एग्जाम पेपर। The Undertaker is here. So guys, अभी मैं जगा एंड नाउ टाइम फॉर दी स्टडी। पैथोलॉजी में थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। गाइस, अभी बजे रात के 12 और अभी मैं 1 घंटा और पढ़ूंगा, मतलब 1 बजे तक। क्या लगता है सिलेबस पूरा हो पाएगा? सीने में लेके तो मैं पढ़ते पढ़ते थक गया। अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे मैं 1 पैसे का नहीं पढ़ने वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ लेते हैं और क्या पता आ भी जाए। अभी यार एग्जाम खत्म हो, शांति हो। सो अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन खत्म करते, चलो मिलते बाद में। बाबा बाबा। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, दिख जा भाई, फोकस हो जा। हाँ, फोकस हो गया। और पैथोलॉजी के बारे में बताओ तो थोड़ा अच्छा गया फार्माकोलॉजी से, क्योंकि फार्माकोलॉजी में मुझे कोई ड्रग्स का नाम ही याद नहीं आ रहा था, लेकिन पैथोलॉजी में तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मैकेनिज्म एक्सेट्रा ही होता है, तो वो तो मुझे आ गया। एंड नाउ टाइम फॉर दी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस के बारे में बताओ तो इतना ज़्यादा सिलेबस है, किसी ने सोचा ना हो। Once more!
मुझे भी नहीं पता अभी मैं कितना वीडियो लंबा बनाऊंगा, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे 3 एग्जाम पेपर ही हुए, उसके बाद मैं कितना कंटेंट इसमें ऐड करूंगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना इस वीडियो को अभी देखते देखते। माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बताओ तो सिलेबस मतलब इतना तक सिलेबस है, एंड अभी मेरा मतलब मैंने यहाँ तक भी नहीं बढ़ा। तो सिलेबस इतना मुझे कंप्लीट करना है और आई एम इज वेरी लेस एंड खारा भाई स्नेहुंदर इतना दूध पिएगा किसी ने सोची ना होगी। Several days later. So guys, थोड़े दिन से मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, व्लॉग शूट नहीं कर रहा था, क्योंकि एक ही सीन हो रहा था। सबसे पहले मैं सुबह जगता था, उसके बाद मैं खाता था, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था, उसके बाद मैं सो जाता था। सो गैस आज है मेरा माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल, कल है फॉरेंसिक मेडिसिन और उसके बाद है फार्माकोलॉजी। तो वो भी मैं थोड़ा केस पढ़ने जाऊंगा, क्योंकि स्पोर्टिंग है तो उसे केस की स्टडी कर दें। तो वो भी मिलते हैं बाद में, बाय। सो गाइज इसी के साथ मेरी एग्जाम खत्म होती है। एग्जाम के बारे में बताऊँ तो अच्छे गए, थोड़ी फॉरेंसिक मेडिसिन में थोड़ी सी दिक्कत आई, बाकी पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी तो अच्छे गए। तो गाइज अभी मैं सामान पैक करके जाऊँगा घर, एक वीक रहूँगा वहाँ पे, एंड उसके बाद फिर से कॉलेज में हमारा स्ट्रगल शुरू होगा। एंड बस तो फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो, एंड क्योंकि हमें 2K कर 350 शायद से इतने ही कुछ बचे हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।